जी के समर्थन में इस नामांकन सभा में मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 2014 में तो मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम की सुनामी है। इसलिए कैसलगंज लोकसभा से उत्तर प्रदेश की जो रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली सीटें होंगी उसमें कर्णभूषण जी को भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके यहां की जनता सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता खुलने वाला नहीं है। उनको यह मालूम है कि अब सपा समाजवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। आज मैंने देखा सुबह जब आ रहा था बहुत सारे पत्रकार मित्र बताने लगे कि राहुल गांधी की बेटी से प्रत्याशी घोषित हो गए, पूरे बनाए बरेली से घोषित हो गए। मैंने कहा बेटी छोड़ करके भाग गए क्या? तो बताए हाँ बेटी छोड़ करके भाग गए, रायबरेली आ गए हैं। हमने कहा 2024 को रायबरेली भी छोड़ करके भाग जाएंगे और कमल का फूल इस बार अमेठी में भी खिलेगा और रायबरेली में भी खिलेगा। मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ विपक्षी गठबंधन है, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। एक देश के अंदर पूरे नारा लग रहा है 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस लक्ष्य को लेकर के आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, कर्णभूषण जी को आदरणीय ब्रजभूषण जी ने कार वोटों से जीते लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपने युवा पुत्र को यहां से सांसद बनाने के लिए पार्टी के आदेश से जो फैसला हुआ है उसका सर्वोच्च ताली बजाकर के स्वागत करिए। और कर्णभूषण जी क्योंकि उनकी आयु अभी कम भी है इसलिए आप सब उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, आकर के परम आनंद हो रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं ये सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, इन्होंने 2017 में भी गठबंधन किया था विधानसभा के चुनाव में, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और 47% सिमट गई थी, कांग्रेस पार्टी के मुक्ति से मुक्ति का अभियान शुरू हो गया था। 2024 में ये फिर गठबंधन करके आए हैं और एक देश पूरे देश के अंदर एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरे आईसीयू में पड़े हो सपा बसपा कांग्रेस के लोग, लोकतंत्र के पुजारी पर आरोप लगाते हो जो पहली बार सांसद चुने जाने के बाद लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में प्रवेश करने से पहले वहां पर माथा टेका था, याद है कि नहीं? आप सब लोग को याद है, उनको कहते हो लोकतंत्र के कारण खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा आज से मेरा एक ही प्रधानमंत्री के रूप में धर्म ग्रंथ है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है, वही मेरा धर्म ग्रंथ है, उसमें एक एक लाइन जो लिखी है वही मेरे लिए श्रीरामचरित मानस की तरह चौपाई है, गीता की तरह उपदेश है और देश की सेवा करने का संकल्प। मैं आप सब लोगों से यहां ये कहना चाहता हूं न लोकतंत्र खतरे में है न संविधान खतरे में है, खतरे में है तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे भाजपा और मोदी विरोधी दलों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। आप सबको यहां भी ध्यान में रहना चाहिए, कल मैं देख रहा था एक पाकिस्तान की संसद के अंदर खड़ा होकर के राहुल गांधी चालीसा पढ़ रहे थे। अरे भैया पाकिस्तान वालों को राहुल गांधी चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए पढ़ रहे उनको कांग्रेस शुरू करती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं है, कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को थाली में सजा करके जिसे हम पीओके कहते हैं पाकिस्तान को सौंपने का अपराध किया है और देश इसके लिए कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने ही जम्मू काश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाने का अपराध किया, हमारे हजारों सैनिक और नागरिक वहां बलिदान हो गए बर्बाद हो गए। लेकिन आज आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी
सब पर हटने के बाद आतंकवाद का अंत भी हो गया। ये मोदी की गारंटी का परिणाम है। अभी यहां पर अयोध्या के पूज्य सत्यचरण सब यहां पर विराजमान है। 500 साल से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई चल रही है। मैं भी एक राम भक्त कार सेवक के रूप में उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। लेकिन अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या रामलला का भव्य मंदिर आज हम सब अपनी आंखों से देख पाते क्या? दोनों हाथ का उन्हें देख पाते क्या? आप सबने माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 370 भी हटाया, रामलला का भव्य मंदिर भी बनाने का काम किया। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग एक ही इनका लक्ष्य है, भाजपा को किसी तरीके से रोको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेगी नहीं। आने वाले 4 जून के इंतजार में यहाँ सब घबराए हुए हैं, कुछ जेल जा चुके हैं, कुछ जवान पर घूम रहे हैं, लेकिन आप सब विश्वास रखना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों से वादा किया है, क्या वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से देश में बनेगी तो इस देश के अंदर सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख मुद्दे थे, पहला 370 हटाएंगे, रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे और सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे, मोदी जी की गारंटी है, तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब सामान्य नागरिक संहिता आएगी। एक देश एक वोटर लिस्ट, 5 साल में एक बार चुनाव, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते, विपक्षी नहीं चाहते, उनको घबराहट होती है कि अगर 1 साल चुनाव हो जाएगा, अगर उनका सूखा साफ हो गया, 5 साल के लिए उनके किसी राज्य में उनको सफलता मिल जाती है, उनके एटीएम जहां से अवैध वसूली करते हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन इस देश, बताइए आप सब लोग, इस देश में 1 साल लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो या चाहते हो, दोनों हाथ का अगर चाहते हो तो, अगर सब लोग चाहते हो तो 400 पार चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, अखंड हिस्सा है, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों हाथ रख दे, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराना है तो 400 बार चाहिए। अगर ये टुकड़े टुकड़े फैंक को सबक दिखाना है तो 400 बार चाहिए। लफ के हाथ करके, लैन के हाथ करके, अबोर्ट के हाथ की बात करने वालों को करारा समाचार लगाना है तो 400 बार चाहिए। गरीबों को 5 साल तक जो राशन फ्री में मिल रहा है आगे भी मिलता रहे, इसके लिए 400 बार चाहिए। गरीबों की दवाई की व्यवस्था प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से हुई है, अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को यह चिकित्सा सुविधा अगर चाहिए तो 400 बार मोदी सरकार चाहिए। आप सब लोगों को बहुत सारे विषय हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेरे किसान होंगे जिन्हें सम्मान निधि मिलती होगी, मिलती है किसी को? हाथ रख दो, मिलती है? ये अगर सम्मान निधि आप चाहेंगे वो जारी रहे तो 400 बार के साथ मोदी सरकार चाहिए। अगर आप चाहते हो या देश भ्रष्टाचार मुक्त हो तो मोदी सरकार को 400 पार के साथ बनाने का काम करें। अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से 10 साल में मोदी जी ने 52 करोड़ बैंक खाते खोल करके 34 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से भेजा, मेरे भाई बहनों, पहले 1 रुपए में से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता था, लेकिन मोदी जी ने 34 लाख करोड़ भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की सरकार होती तो लोगों को 5 लाख करोड़ मिलता, 29 लाख करोड़ का ये घोटाला कर चुके होते। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इस देश में कमल का फूल खिला है, यहाँ का विकास हुआ है, यहाँ सुशासन आया है, यहाँ गरीबों की भलाई के लिए अनेकानेक काम हुए हैं। आप सब लोगों को आज यहाँ पर मैं नामांकन सभा के माध्यम से करण भूषण जी आ गए, आप सब अपने अपना अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर
अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेसियों सपाइयों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अधिकार जब संविधान ने तुम्हें नहीं दिया तो तुमने कैसे ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया? और श्री अखिलेश यादव जी, आप पीडीए की बात करते हो, कहां आपका पिछड़ा दलित संख्या चला गया? आपका पीडीए झूठ है, आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट का घाटी है। आपने श्री राहुल गांधी से पूछने का साहस नहीं दिखाया कि पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को क्यों दिया गया? आपने कहीं ये नहीं पूछा कि आंध्र प्रदेश के अंदर समाज पिछड़े का आरक्षण क्यों दिया गया? इसलिए आप सब लोगों को मैं यहां पर कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाने के लिए, कमर का फूल खिलाने के लिए, विकास की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, उसका साथ गुंडों का अपराधियों का विकास रोकने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं। आप सब से जो मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके यहां 20 मई को चुनाव, 20 को है ना, 20 मई को चुनाव है। 8 तारीख कौन सी हो गई? 3 तारीख हो गई, यानी आज से अगर 20 तक जोड़े तो कुल 18 दिन है। आज को भी मिला करके 18 दिन में महाभारत का परिणाम आ जाता है। इस महाभारत के संग्राम में आप सभी कार्यकर्ता जो आए उनको भी कहना चाहता हूँ, जो समर्थक आए हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इस बार मोदी जी ने कहा है अगर मैंने 370 हटाया है तो आप सब कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम कहकर के जय श्राम कहकर के कह दीजिएगा कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला है उसमें 370 वोट और बढ़ा दे, जिसे 370 हटाने का परिणाम सामने आ जाए। जो लोग अपने अपने बूथ पर 370 बढ़ा सकते, जरा हाथ मार बताओ मुझे। सब लोग बढ़ा सकते हो तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। अगर 370 हर बूथ पे आपने वोट बढ़ा दिया तो चाहे सपा वाला हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, उनकी जमानत कोई बचा नहीं सकता है। आप में से कई लोग राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की लड़ाई लड़े हैं, यही सपा बसपा कांग्रेस के लोग किस प्रकार से हमारा आपका उपहास करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब तारीख बताई गई 22 जनवरी 2024, जब देश के प्रधानमंत्री एक राम भक्त के रूप में अयोध्या आए, उसका निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को भी दिया गया, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी को भी दिया गया, लेकिन ना श्री राहुल गांधी आए और ना श्री अखिलेश यादव जी आए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतीहा पढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने का आपको मौका क्यों नहीं मिला? आपने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है। जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है 2024 में उन्हें ठुकरा दोगे। 2014 के बाद किसी को जालीदार टोपी लगा के वोट मांगते हुए देखा है क्या? ये क्या हुआ? क्योंकि आपने कमर खिला दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आप चाहते हो ये मुख्तार अंसारी जैसे मां पिता की कब्र पर फतीहा पढ़ने ना जाए, और जब भी आप समय आए तो रामलला की देहरी पर मस्तक झुकाने के लिए आने के लिए विवश होना पड़े। आप विश्वास रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस नाम की बीमारी ही इस देश से खत्म हो जाएगी।
ये बड़ी बीमारी है, इस देश का बहुत नुकसान किया है, इस देश को भ्रष्टाचार के संबंध में होने वाले लोग हैं ये, इस देश के गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं ये गन्ना गरीब का भला चाहते हैं, ना पिछड़ों का भला चाहते हैं, ना दलितों का भला चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया और इन लोगों की राजनीति कुछ का साथ कुछ का विकास की है। मेरे मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। बताइए गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं आ रही है सबको मिलेगी नहीं मिलेगी? दोनों हाथ में कदम मिलेगी नहीं मिलेगी? सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने किया। राशन सबको मिल रहा है, दवाई सबको मिल रही है, पढ़ाई सबको मिल रही है, बिजली सबको मिल रही है, गैस का कनेक्शन सबको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहा है। तो आप बताओ सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो आज मैं गोंडा किया कैसा मैं लोकसभा के प्रत्याशी अपने करण भूषण सिंह जी के समर्थन में ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है।